बात तो ये कि इतनी बलवान बनो कि मैंने देखे तो सारा जमाना तुम्हारी तरफ कि भाई देखो बलवान हो तो ऐसा, शरीर हो तो ऐसा, लेकिन तुम्हारी तरफ कोई कुदृष्टि से देखने की हिम्मत ना कर पाए, इतनी ताकत इतना सामर्थ्य अपने भीतर जुटा लो। एक तो ये बात, ये तो शरीर शरीर का भी बल अच्छा होना चाहिए। कुछ बेटियां पढ़ती बहुत है लेकिन इतना ज्यादा अपने शरीर को बेकार कर लेती है, 10-10 नंबर का चश्मा चढ़ जाता है और बहुत बुरा हाल की फोटो खिंचवाए तो सीधा एक्सरे आता है, उठते बैठते चक्कर आते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, रोज कपालभाति क्या करो? ठीक है, ये हमारी विश्व की संस्थाएं बैठी हैं, इसके लिए ये इंजेक्शन लगाओ, ये वैक्सीन लगाओ, ये टीका लगवाओ, वो टीका लगवाओ, तुम्हारे सामने बाबा रामदेव खड़ा कोई टीका नहीं लगवाया। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, 17.5 इज माय हीमोग्लोबिन। मेरा वेट 65 to 67 रहता है और मेरा पेट तो सबको पता ही है कैसा रहता है। तो अपना फिर से हिलाऊं? चलो फिर हिला देता हूं। देखो योगी आगे से हिलाते, भोगी पीछे से हिलाते, यही अंतर है। सुनो तो सुनो, अपने शरीर को क्या बनाना है बोलो, बोलो जोर से बोलो, पहलवान। पहले ये लड़के कुश्ती क्या करते थे, आजकल लड़कियां अखाड़ों में लड़कों को पछाड़ती हैं, मुझे बहुत मजा आता है। तो सुनो, शरीर से बलवान बनो, हृदय से श्रद्धावान बनो। हृदय से क्या बनना है बोलो, श्रद्धा, कृतज्ञता, जैसे पूज्य मुनि जी ने कहा कि पिता ने इतना ऊंचा गौरव दिया तो बेटी ने उस बाप का गौरव बढ़ाया। मस्तिष्क से, दिमाग से ज्ञानवान बनो, आचरण से चरित्रवान बनो। हम ऐसे महान बनना है, इतना ज्यादा पढ़ो तुम, इतना ज्यादा बढ़ो तुम कि लोग तुम्हारे एग्जाम्पल दें, तुम आइडल बन जाओ, तुम रोल मॉडल बन जाओ। तुम केवल भारत की ही लिए एक प्रेरणा नहीं, तुम महानायक बन जाओ पूरे जमाने की। और आज पूरी दुनिया में लेडीज कर रही है ऐसा, पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट में आज हमारे भारत की महिलाएं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे, बड़ी बड़ी एमएनसी को, बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाती हैं। और ये देखो, ये हमारी महिला ही तो है, क्या नाम है इस बहन का, सु, प्रणाम माता जी। मैं तो मातृशक्ति को हमेशा ही प्रणाम करता हूं, पिताओं को भी याद करता हूं, भूलता नहीं हो। लेकिन इनको कोई प्रणाम बहुत, अब मैं किसी स्त्री को प्रणाम करूं तो बोले बाबा जी स्त्री के चरणों में झुक गए, तेरे को क्या तकलीफ है, मैं झुकाऊं? अरे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में महिलाएं बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्यों का, कॉर्पोरेट्स का लीडरशिप करती है। बहुत जल्दी ही भारत में भी वो दिन आए जब आधे से ज्यादा भारत के राज्यों का और देश का नेतृत्व भी महिला शक्ति राजनीतिक दृष्टि से भी, क्या दिक्कत है? तुम अपने आप को इतना समर्थ बनाओ कि मैं कोई संघर्ष नहीं पैदा कर रहा हूं, ये तो उत्साह बढ़ाने के लिए मैं बात कह रहा हूं कि बात बराबरी में अपने आप आके खड़ी हो जाए। और भाई इस काम को मैं तो कर रहा हूं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। पहले वेद नहीं पढ़ाते थे महिलाओं को, पतंजलि में 100 से ज्यादा व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद पढ़ी लिखी महिलाएं हमने तैयार कर दी और उनको सन्यासी भी बना दिया। क्यों? लोग कहते थे स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाना, क्यों नहीं पढ़ाना, लॉजिक कुछ नहीं है। फिर बोलो जो ब्राह्मणेतर कुल में उत्पन्न हुआ उसको भी नहीं पढ़ाना, मैंने स्त्रियों को भी वेद पढ़ाया,
मैंने ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को, ये आजकल एक नई जाति बन गई है ओबीसी, इसको भी वेद पढ़ाया, दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को भी। हमें जैसे पूज्य मुनि जी ने बोला था ना, ये दीवारें तोड़नी पड़ेंगी भेदभाव की, असमानता की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ऐसे ही आप सबको हौसला रख करके, अपना संकल्प प्रबल रख करके और पुरुषार्थ से ऐसे झंडे गाड़ो कि अगली बार जब हम संगम के किनारे आए तब ये पुरुष भाई मेरे पास एप्लीकेशन लेकर के आए कि स्वामी जी हमारा भी कुछ आरक्षण करवा दो। ऐसा अपने आप को तैयार कर लो। तो मैंने कुछ बातें कही, उसका मकसद कोई पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि मैं चाहता हूं ऐसा कि भारत ऐसा जिसके बारे में सारी दुनिया ये चर्चा करे कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, भारत में बाल विवाह प्रथा नहीं है, भारत में सती प्रथा नहीं है, भारत में बलि प्रथा नहीं है, भारत में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, भारत में कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है, भारत में कोई जड़ पूजा नहीं है, भारत में कोई अकर्मण्यता नहीं है, भारत में किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं है, भारत में कभी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, भारत में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं देश देखना चाहता हूँ। और ऐसा देश हम सबको मिलकर बनाना है। आज एक बहुत बड़ा संकल्प के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपके हौसले बहुत बुलंद हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसमें बड़ा मजा आता है। देखो हम लोग को तो स्वेटर पहन ही नहीं रखी, फिर भी कितना अच्छा लगता है। तो अपने अंदर योग की शक्ति पैदा करो, सब कुछ तो तुम्हारे अंदर ही है। तो पूज्य मुनि जी का एक बार फिर से मैं जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन करता हूँ, साध्वी भगवती जी का जिन्होंने संकल्प लिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और फिर अगला जो क्रम है संकल्प का, और एक इसके लिए प्रतीकात्मक एक यात्रा रखी है। ये जो संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प ऐसा होना चाहिए कि एक बार संकल्प ले लिया तो फिर उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं। जोर से बोलो, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। एक बार संकल्प लिया था आचार्य चाणक्य ने और बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ करके एक अखंड भारत बना दिया था, एक अकिंचन आचार्य का संकल्प, जिसके पास में भौतिक सामर्थ्य बहुत अधिक नहीं था, लेकिन संकल्प का कितना बड़ा बल होता है इसके सबसे बड़े उदाहरण आधुनिक भारत में है तो आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की तरह तुम्हारा संकल्प होना चाहिए, एक बार संकल्प ले लिया कि मैं बाल विवाह प्रथा से मुक्त बनाना है उत्तर प्रदेश और देश को, और बाकी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे एक एक संकल्प आप बढ़ते जाना, हम ऐसे ही इन संकल्पों के साथ आगे बढ़े। मेरे जीवन के तो दो ही बड़े शब्द हैं, आप भी बोल लीजिए फिर आप संकल्प करेंगे। बोलिए विकल्प रहित संकल्प, बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हमारे संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक पल जीना चाहिए। खाली सपने देखने से दुनिया नहीं बनती है, सपने देखो मैंने कहा, लेकिन बनने से पहले करना सीखो। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये संकल्प यशस्वी होगा। हमारी मंच संसारिका बहन बहुत ही विदुषी है, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत मेरा अभिनंदन। हम संकल्प लेते हैं कि ना हम बाल विवाह करेंगे ना हम बाल विवाह करेंगे ना होने देंगे बेटा हो या बेटी दोनों को समान रूप से पढ़ाएंगे दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे हम अगले कुंभ
तक अगले कुंभ तक उत्तर प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे बाल विवाह मुक्त कराएंगे बोले मातृशक्ति की इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ बाबा बालकनाथ जी के पंडाल में, जहां पूज्य स्वामी जी महाराज का माल्यार्पण और तिलक कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद मुनि जी भी स्वामी जी के साथ थे। उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को तिलक किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात पहुंचे गोरखनाथ मठ के पंडाल में, जहाँ स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखनाथ मठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी ने स्वामी जी महाराज, स्वामी नरेंद्र गिरी जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी व बाबा बालकनाथ जी का स्वागत किया। सभी पूज्य संतों ने यहां पर आम श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इन पूज्य संतों का आम जनों के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में एक अद्भुत दृश्य के साथ साथ जाति व वर्ग मुक्त समाज की संकल्पना का विशेष संदेश भी दे रहा था। इसी कड़ी में पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़े में। पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहां श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज से व अन्य सभी तपस्वी साधुओं से मुलाकात की और यहां पर तपस्वी साधुओं से चिलम त्यागने का संकल्प दिलवाया। पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से श्री महंत राजेंद्र दास जी व सैकड़ों साधुओं ने चिलम व अन्य नशा त्यागने का संकल्प लिया। कुंभ में भारतीय सनातन धर्म व संस्कृति के सैकड़ों रंग देखने को मिलते हैं। वेद, अध्यात्म व संस्कृति से परिपूर्ण संगम में हमें एक और रंग इस अखाड़े में देखने को मिला। पुरातन काल में तपस्वी साधु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते थे, जो समय पड़ने पर अपने धर्म संस्कृति की रक्षा भी करते थे। इसकी झलक हमें देखने को मिली इस श्रीपंच निर्मोही अखाड़े में। यहाँ के तपस्वी साधुओं ने पूज्य स्वामी जी महाराज के समक्ष अपने अद्भुत शस्त्र विद्या व युद्ध कला का प्रदर्शन किया। स्वामी जी महाराज ने इन तपस्वियों की शस्त्र पारंगतता को देखा व इनको सम्मानित किया। ये सुंदरदास जी महाराज जी हैं, वृंदावन सिंहपुर हनुमान जी, वृंदावन सिंहपुर मंदिर हनुमान। देखो ये देखने में भी पहलवान है महाराज, और नीचे थोड़ी के नीचे आलू रखा हुआ है। अब इसमें जरा सी चूक हो जाए तो गड़बड़ होने की संभावना। इनाम देना पड़ता है, देखो ये इनाम है हमारा। एक बार लड़ाई कर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने राघवाचार्य जी महाराज से भी भेंट की। श्री राघवाचार्य जी महाराज ने भी पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर आस्था चैनल व संस्कार चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ थे। प्रयागराज में संतों से भेंट के क्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे घनश्यामाचार्य जी महाराज के पंडाल में, जहां श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज का अभिनंदन किया।
इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पूज्य पाद अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव जी के उस पतंजलि ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क रूप से कितनी व्यवस्थाएं प्रदान की गई थी, तो आज प्रयागराज में भी हम सभी पूज्य बाबा रामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। हम आप सभी घर बैठे तो खूब टीवी में दर्शन करते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से हम सभी को दर्शन प्राप्त हो रहा है। और जिनके जिनके अथक प्रयास से संपूर्ण विश्व में भारत की एक नवीन पहचान बनी है, आदरणीय भारत सरकार के द्वारा जो योग दिवस का शुभारंभ पूरे विश्व में किया गया, इसमें पूज्य बाबा रामदेव जी की ही अथक परिश्रम और उनके अथक प्रयास से यह कार्य सार्थक हुआ है। संपूर्ण विश्व में भारतीय योग की पहचान हुई है और पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज के सानिध्य में भारत देश में तो लगभग हर जिले हर कस्बे में और साथ ही विश्व के लगभग सभी देशों में भारतीय जो यहाँ के पतंजलि के निर्मित स्वदेशी उपकरण हैं उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज श्री हम सभी के बीच में विराजमान हैं। एक बार पुनः हम सभी लोग जोरदार ताली के द्वारा हम सभी पूज्य महाराज श्री को नमन करेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, संत समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, पावन कुंभ पर्व की जय हो, जय जय श्रीमन नारायण भगवान महर्षि पतंजलि जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा बरुणालय जगत नियंता जगदाधार परम परमात्मा की कृपा से हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ करने ही जा रहे थे। और जैसे शुभारंभ कर रहे थे, जैसे परीक्षित जी ने ये चिंतन किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी तरह से हमारे हरिद्वार से जो अब परिचय क्या बताएं, जिनका परिचय सारा विश्व जान रहा है, सारा विश्व आपका परिचय जानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय माने संपूर्ण विश्व में आपने स्वस्थ होने के लिए निरोग होने के लिए आपने जो एक समाज में दिशा प्रदान की है, शायद ये भारत देश नहीं संपूर्ण विश्व सदैव ऋणी रहेगा कि आप योग के माध्यम से और सबको निरोगी बनाने के लिए आप ये, क्योंकि प्रातःकाल जिनको स्वस्थ रहना है वो आस्था भजन चैनल के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, और इसके बाद और संस्कार चैनल, सत्संग चैनल और वैदिक चैनल, ऐसे कई ऐसे चैनलों में आपका धारा प्रवाह है, इसका प्रचार निरंतर चल रहा है। सरकार चाहे विषम परिस्थितियों में कोई सरकार आई हो, लेकिन सरकार भी घुटना टेकी है, सरकार भी योग करने के लिए बात हुई है, चाहे कहीं के मुख्यमंत्री रहे हों चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, यहाँ तक आपके दर्शन आपके आगमन के लिए विदेश के प्रधानमंत्री भी ललायित हैं कि आप हमें समय दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात है कि भारत देश में कोई अगर कुछ सीख लिया है तो विदेशों में प्रचार ज़्यादा कर रहा है, भारत में कम कर रहा है। कोई सामग्री पैदा हो रही है तो भारत में कम दे बेची जा रही, विदेशों के लिए ज़्यादा भेजी जा रही है। इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध हैं, लेकिन इलाहाबाद के लोग नहीं खाने पाते हैं, उनको पैकिंग करके बाहर विदेशों में भेजा जाता है, यहाँ के लोग नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे इस देश में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी महाराज, जो संपूर्ण भारत में ही समय दे करके और ज़्यादातर भारतीयों को पहले स्वस्थ बना रहे हैं और सारा लाभ प्रदान कर रहे हैं। ये आपकी सदैव विशेषता रही है और हम तो अहर्निश हर क्षण ये देखते चले आ रहे हैं कि आपके माध्यम से कितने लोग स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, कितने लोग दवाइयों के माध्यम से अनेक प्रकार के माध्यम से आप इसका लाभ ले रहे हैं।
साथ में हमारे वाराणसी से महामंडलेश्वर श्री स्वामी संतोष दास जी महाराज जी, जो हमारे बड़े आत्मीय हैं, बड़े आत्मीय मित्र हैं। कल भी आपका आपकी प्रतीक्षा थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ आ नहीं सके, अन्य जगह इसी कामों में लगे थे, कोई बैठ के सोते थोड़ी थे। ऐसे हमारे कोई सतुआ बाबा जी, जिनके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे, महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज जी, जिनका विशाल शिविर लगा हुआ है और विशाल आनंद नित्य भंडारा नित्य प्रसाद चल रहा है। हम सब दर्शकगण बैठ जाएं, और बैठ करके हम छोड़ेंगे नहीं। आज बहुत मुश्किल में हमारे योग गुरु जी मिले हैं, तो कम से कम आपको पूरा लाभ दिला करके तब हम छोड़ेंगे, क्योंकि कोई अगर बंद कर लिया जाता जल्दी छूटता नहीं है। तो इसीलिए आपका जैसा नाम राम जी जंगल गए, ये देखिए, ये तो हर्षवर्धन के समय से यहाँ महाराज दान दक्षिणा वस्त्र बांटना कंबल बांटना दवाइयाँ बांटना भंडारा करना, ये अन्य क्षेत्र है। और गंगा जी में अपने आप में शक्ति है कि गंगा जी सबको खींच करके ला करके खड़ा कर देती है। वो गंगा जी जो हड्डी को घिस करके देवता बना दे, तो भला हम सब सामान्य मनुष्य यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो ऐसे महाराज ये पावन तीर्थ है, ये तीर्थ का हमारे आपके बीच का आनंद है। तो ऐसे अवसर पर हम आप सब आह्लादित आनंदित हो रहे हैं, और इसी और ये लाभ हमें आपको प्राप्त हो रहा है। तो महाराज तीर्थराज प्रयाग की धरती है, गंगा की धरती है। जैसे त्रेता में राम जी गए रावण वध के लिए, राक्षस विनाश के लिए, तो उसी प्रकार से आप को भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके जन्म दिया कि भारत को निरोग बनाइए, स्वस्थ बनाइए। ये भगवान का आदेश है और उसी आदेश का आप पालन कर रहे हैं। लेकिन राम जी जैसे जंगल गए तो सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुखदीन है, उसी तरह से आप हर शिविरों में जा करके अपने इस भारत को स्वस्थ बनाने के लिए, भारत को निरोग की दिशा देने के लिए, भारत को योग के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, अब विदेशी गलत केमिकल जो मिला करके दवाइयाँ हमारे बीच में बेची जा रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए आपने कितना बड़ा बीड़ा उठाया। और बीड़ा में शायद आपका शरीर भी देखिए किस तरह से दुबला पतला है, नहीं तो बड़े बड़े साधु डेढ़ डेढ़ कुंटल के हमारा डेढ़ दो लोग उठाने वाले लगे होते हैं। वो आप कहाँ करते हैं कि जब पूरा में ठूस ठूस करके भरो तो बोला तो फैलेगा, अब फैलेगा तो उसे संभालने में बहुत समय लगेगा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे बीच में विराजे हैं। जय जैसे ही तैसे उड़ धाम है बाल रथ को संग, तो इस तरह से हमारे महाराज जी यहाँ विराजे हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे महामंडलेश्वर सतुआ बाबा जी श्री संतोष दास जी महाराज जी की कृपा है। हमारे आस्था चैनल के प्रमुख है श्री प्रमोद जोशी जी, आप प्रमोद जोशी जी के ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये आपकी देन है कि इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सबके कल्याण के लिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आलोपी बाग प्रयागराज के शिविर में पूज्य अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव जी को बुला करके इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष नहीं और संपूर्ण विश्व को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आपके संदेश से हम स्वस्थ हों, दीर्घजीवी हों, निरोग हों, हमारी सारी जो मनोविकार है वो दूर हो। ये आस्था भजन के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, और उस बीच महाराज जैसा कार्य है कि संतों के आ जाने से ये लिखा हुआ है कि अयम हो अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, मतलब सबसे बड़ा लाभ ये है। सुदामा जी सुशीला से कहती चल तू कृष्ण भगवान के पास भेज रही है, लेकिन ये परम लाभ है कि उत्तम श्लोक का दर्शन हम संत का दर्शन से प्राप्त करेंगे। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा
सुंदर हम सबको एक दिशा प्रदान करके, क्योंकि आज की दशा तो जान रहे हैं तो हमें दिशा चाहिए, क्योंकि भगवान दृष्टि देता है, आप जैसे संत महापुरुष इन जीवों को दृष्टिकोण देते हैं, हमें दृष्टिकोण देने की कृपा करें। आपने बड़ी कृपा की, प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहू भय पुनीत आज मम गेहू, आपने अपनी प्रभुता को दूर रख करके और हम सबके बीच में एक सामान्य स्वरूप आ करके और सब जनता के बीच एक निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति करने का एक उपदेश प्रदान कर रहे हैं। आइए इसी के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे अग्रज और हमारी इस गुरु परंपरा ऋषि परंपरा में, हमारी संप्रदाय की परंपरा में जिनको हम जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री घनश्याम आचार्य जी, जिनका दर्शन भी बड़ा दिव्य है और महाराज एकदम आपका स्ट्रक्चर भी बहुत जबरदस्त है, करेक्टर तो ऊंचा है ही है आपका, ऐसे ही साधु को दर्शनीय होना चाहिए। अब महाराज जी का पेट होता तो माला ऐसे नहीं होती, माला ऐसे होती। अब जब ये पेट में पाप प्रविष्ट हो जाता है तो फिर डायबिटीज, फिर हार्ट अटैक और फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर ब्लड प्रेशर, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। और साधु यदि बीमार और लाचार हो जाए तो फिर लोग अनुकरण किसका करेंगे? साधु को तो आइडियल होना चाहिए। तो हमारे पूज्य जगत गुरु जी घनश्याम आचार्य जी हमारे एक आदर्श साधु हैं, एक समर्थ साधु हैं, एक चरित्रवान साधु हैं, एक वेदज्ञ साधु हैं, जो शास्त्रवित हैं, जो वेदवित हैं, ऐसे साधु होना चाहिए और अपने श्रेष्ठ शिष्यों को तैयार करना।